हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए स्मोक फाउंटेन, जिसके लिए मैंने लिया है किसी भी बॉक्स का कैप। तो अच्छे से फेविकॉल लगा लेंगे और मैंने वॉल पुट्टी का डो यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसको कवर कर लेंगे कैप को। ये कैप आप अपनी नीड के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा फाउंटेन बनाना है तो आप उस हिसाब से बड़ा कैप ले सकते हैं। छोटा बनाना है इससे भी तो आप छोटा कैप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी की हेल्प से आप इसे स्मूथ करते जाएंगे। जब तक वह सूख रहा है तब तक हम एलिफेंट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह की पुरानी शीशी ली है। इसे हम न्यूज़पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे। और आप मास्किंग टेप से अच्छे से उसे कवर कर देंगे, जिससे जो हमारी क्ले है वो इसमें अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैं फेविक्रिल की मोल्डेड भी यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के दो पैक आते हैं, इसमें एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। थोड़ा थोड़ा आप इक्वल पार्ट में क्ले निकाल लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अपने हाथ में पाउडर लगा सकते हैं, जिससे आपके हैंड में स्टिक नहीं होगा और ना आपको एलिफेंट का जो फेस का शेप होता है वो दे देना इससे। फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक होल करेंगी। जो जो एलिफेंट की ट्रंक है ना, वहाँ से ये पूरा एक होल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। ये देखिए, आपको शायद तो दिख रहा हो मेरी फिंगर नीचे से, बिल्कुल हमने आर पार कर दिया है। बाकी जो आपकी शेप है एलिफेंट की, जो डिटेलिंग है वो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आप ज़रूर चेक कर लें एंड तक कि जो होल बनाया है हमने ट्रंक तक वो सही से हो, बीच में बंद ना हो रहा हो। अब बाकी की शेप देने के लिए मैं वापस से वॉल पुट्टी का डो यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसे पहले अच्छे से कवर कर लेंगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम और क्ले लगाकर एलिफेंट की शेप देते जाएंगे।
अब बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कार्डबोर्ड के 4 पीसेस लिए हैं और एक दूसरे के ऊपर हम फेविकॉल की हेल्प से चिपकाते जाएंगे और इसे भी मास्किंग टेप से अच्छे से कवर अप कर देंगे। अब इस तरह से कैप लेंगे और कैप को ना न्यूज़पेपर की हेल्प से थोड़ा सा और हाइट देंगे और फिर हेल्प मास्किंग टेप की हेल्प से हम अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि हमारा जो एलिफेंट है वो थोड़ा सा ऊंचा हो। अब इसको भी वॉल पुट्टी से कवर करेंगे हम। थोड़ी थोड़ी वॉल पुट्टी लगाकर और जो हमारा जो कैप था उसमें भी वॉल पुट्टी लगाएंगे और अच्छे से स्टिक कर देंगे। ये हमारी कैप है, कैप लगा लेंगे, उसे भी हम उसे वॉल पुट्टी से अच्छे से कवर कर लेंगे। और देखिए कुछ इस तरह दिखेगा सूखने के बाद। अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं थोड़ी सी मोल्डेड, क्योंकि मोल्डेड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्ले होती है और इससे हम श्योर रहते हैं कि यहाँ कुछ भी इफेंट बट नहीं होगा आगे। तो यहाँ मैंने मोल्डेड यूज़ करी है और वहाँ पर अपना एलिफेंट हम बिठा देंगे। अब मैं यहाँ बना रही हूँ लोटस की रिंग, तो आप नाइफ ले सकते हैं। मैंने यहाँ ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से शेप दे दी है और कुछ इस तरह से रख के आप इसे सुखा लेंगे। अब इस तरह क्ले के ना थोड़ा एक आगे वाला जो है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा और पीछे वाला थोड़ा सा छोटा रहेगा। और कुछ लीफ को इस तरह लगाएंगे कि जो ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट है उसकी लीफ आगे की तरफ थोड़ी सी झुकी रहे, जिससे जो हमारा स्मोक है वो फर्स्ट लीफ से सेकंड लीफ में गिरेगा। अब जब ड्राई हो जाएगा तो आपने पहले पूरा ब्लैक कर लेना है, उसके बाद आप हल्का हल्का कलर का टच दे सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह बनके तैयार हुआ था। मैंने ऊपर इंसेंस लगा लिए, धूप बत्ती लगा ली है और ये देखिए